हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर लोकेश गर्ग। मैं हड्डी एंड मांसपेशियों के कैंसर देखता हूं। आज हम बात करेंगे सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा के बारे में। सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा हम उन्हें बोलते हैं जो कि मांसपेशियों में या फिर फैट टिश्यू में या फिर नर्व्स में या ब्लड वेसल्स के कैंसर को। ये कैंसर बहुत ही रेयर टाइप का कैंसर होता है। ये यूजुअली यंग एज में होता है या फिर मिड एज में। सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा 50 तरह का हो सकता है। मांसपेशियों के कैंसर को रेब्डोमायोसार्कोमा बोलते हैं, ब्लड वेसल्स के कैंसर को हम एंजियोसार्कोमा बोलते हैं, नर्व शीथ के सार्कोमा को हम मैलिग्नेंट पेरिफेरल नर्व शीथ ट्यूमर बोलते हैं। जो ये सार्कोमा होते हैं इनके ग्रेड्स भी अलग अलग हो सकते हैं, लाइक ग्रेड 1, 2, 3, 4। जितना ग्रेड कम होता है उतना ही उसका मैलिग्नेंट पोटेंशियल कम होता है, जितना ही ग्रेड ज्यादा होता है उसका मैलिग्नेंट पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होता है। यूजुअली सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा हमारे एक्सट्रीमिटी लिम्ब्स में होता है, बट ये हमारी चेस्ट वॉल और एब्डोमिनल वॉल में भी हो सकता है। सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा के लिए कोई रिस्क फैक्टर वैसे नहीं होता है, बट फिर भी कुछ लोगों के लिए रिस्क फैक्टर रहता है, जैसे कि प्रीवियस रेडिएशन एक्सपोजर या फिर कोई केमिकल का एक्सपोजर या फिर कोई जेनेटिक सिंड्रोम जैसे कि न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। इसके वार्निंग सिम्टम्स होते हैं कोई भी हमारे शरीर में गांठ होना, या तो वो 5 सेंटीमीटर से बड़ी हो या अचानक से उसका साइज बढ़ने लगे, या फिर अचानक से किसी पुरानी गांठ में दर्द होना, या फिर वो गांठ काफी अंदर की तरफ हो, या फिर जैसे वजन कम होना, फटीग या फिर लो ग्रेड फीवर आना। सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा एक ट्रीटेबल बीमारी है, इसे हम ठीक कर सकते हैं, बट हमें इसका सही ट्रीटमेंट सही टाइम पे इलाज लेना बहुत जरूरी है। इसके डायग्नोसिस के लिए हम बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी हमेशा सार्कोमा सर्जन द्वारा ही की जानी चाहिए ताकि वो अपना फ्यूचर प्लान सर्जरी का बना सके। सार्कोमा के ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सर्जरी। सर्जरी का मेन एम यही होता है कि पूरा सार्कोमा बॉडी से निकाल दिया जाए ताकि उसका एक सेल भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। सेकेंड पार्ट सार्कोमा ट्रीटमेंट में होता है रेडिएशन। रेडिएशन यूजुअली लोकल रिकरेंस को रोकने के लिए दिया जाता है। कीमोथेरेपी सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा में बहुत ज्यादा कारगर नहीं होती है, बट फिर भी कुछ सिचुएशंस में दिया जाता है, जैसे कि पहले से ही पेशेंट स्टेज 3 या स्टेज 4 में अगर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। आउटकम सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा का काफी अच्छा है अगर हम स्टेज 2 तक उसे डॉक्टर के पास ले आते हैं। जैसे कि अगर स्टेज 2 में पेशेंट का सर्वाइवल लगभग 70-80% तक रहता है और स्टेज 3 और स्टेज 4 में यही सर्वाइवल less than 40% हो जाता है।